90 दशक की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी ने एक बार फिर किया कैमरे का सामना। 26 साल बाद लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया में लौटी मंदाकिनी। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी ने कमबैक कर लिया है। अपने बेटे राबिल के और एक्ट्रेस बबीता बैनर्जी के साथ जल्द ही उनका माँ ओ माँ गाना आने वाला है। साल 1996 में बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद एक्ट्रेस की वापसी की खबर सुनकर उनके फैंस बेहद ही खुश हैं। मंदाकिनी की शूटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और उनके फैंस दूसरी पारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मंदाकिनी की माने तो उन्होंने कमबैक सिर्फ अपने बेटे राबिल के लिए किया है। बेटे के साथ काम करके मंदाकिनी बहुत ही खुश हैं। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में मंदाकिनी कहती हैं, माँ ओ माँ एक खूबसूरत गाना है और मुझे ये सुनते ही पसंद आ गया था। इस गाने की खास बात है कि इसमें मेरा बेटा लीड रोल निभा रहा है। इस गाने का ऐलान मंदाकिनी ने अपने इंस्टा अकाउंट के जरिए किया था। बहरहाल मंदाकिनी के करियर की बात करें तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ही राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू किया था। पहली फिल्म से मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी। राम तेरी गंगा मैली में उनके झरने के नीचे नहाने वाले सीन और उनकी खूबसूरती की बहुत चर्चा हुई। कहीं ना कहीं इस फिल्म के सक्सेस का पूरा क्रेडिट भी उन्हें मिला था। राम तेरी गंगा मैली के जरिए वो जितनी तेजी से स्टार बनी उतनी ही जल्दी उनके करियर का ढलान भी शुरू हो गया। इसकी वजह ये रही कि मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली के बाद कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें उनको लोग याद करें और ना ही कोई भी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई। मंदाकिनी ने डांस डांस, कमांडो, लोहा जाल, नया कानून, तेजाब और दुश्मन समेत 50 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्म में उनका करियर बचा नहीं सकी। बाद के दिनों में तो उनको साइड हीरोइन तक के रोल करने पड़े थे। मंदाकिनी का करियर दाऊद इब्राहिम से अफेयर की वजह से भी डूबा। शारजहा के मैदान में दाऊद इब्राहिम के साथ भारत पाकिस्तान का मैच देखते हुए देखी गई थी। कहा जाता है कि दाऊद से मिलने वो दुबई भी जाया करती थी। कई सालों तक दाऊद और मंदाकिनी का गहरा रिश्ता रहा, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने दाऊद से रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद मंदाकिनी ने साल 1990 में बौद्ध मॉन्क डॉक्टर कग्युटी रिनोप्चे ढाकुर से शादी करके सब कुछ चौंका दिया था। शादी के 6 सालों बाद साल 1996 में मंदाकिनी आखिरी बार हिंदी फिल्म जोरदार में दिखी। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म बंगाली में थी जिसका टाइटल से अमर प्रेम था, जो 2002 में रिलीज हुई थी। मंदाकिनी अब 2 बच्चों की माँ है। उनका एक बेटा और बेटी है। वही उम्र का असर मंदाकिनी पर साफ दिखने लगा है, लेकिन खूबसूरती आज भी बरकरार है।